हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैंने बनाया है मोटरसाइकिल का नया ब्लॉग। मैं सोच रहा हूँ सैले का एक नया ब्लॉग बनाया जाए बाइक टूर से। आप देख रहे हैं कैसा लग रहा है, आपके लिए कमेंट कर सकते हैं। और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा भाई। रोड तो खैर पंजाब के अंदर खाली मिलता, कदर को चलाओ, ये पेट्रोल पंप है इंडियन। इधर ढाबा है भाई, ढाबा पर हमने तो रोटी खा रखा है। पर पंजाब के अंदर अच्छा लगता है घूमने में, ब्लॉग बनाने के लिए सारे एरिया का सैलाब खोड़ दो तो ब्लॉग बना रहे हैं। रोड ऐसा खाली निकलता है यहाँ की, ठीक है, जैसे रोड बिल्कुल खाली, दूर तक कितनी भी स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। पर हाँ, थोड़ा शहर के अंदर संभाल के चलाना पड़ता है क्योंकि कार वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं। आप देखिए, एक से बड़ी कार मिलेगी है, थार वगैरह, थार ज़्यादा मिलेगी। हाँ देखो किधर से लेकर के चला गया भाई। यहाँ फूलों की दुकान है ये सामने, इधर की भी, ये भी मान ली की दुकान है, इधर कोई भी ले सकता है। डांसियाल का गुरुद्वारा, मैन भी सैले के लिए घूम के जा रहे हैं, पर डांसी वाली होके चलें तो बेहतर है। साइकिल पे तो भाई कोई कोई मिलता है, सभी मोटरसाइकिल में चलाने वाले हैं, मोटरसाइकिल स्कूटरी। ठीक है, ये डांसी वाला आ गया। और डांसी वाल में तुम देख रहे हैं कोई भी सवारी दिखाई नहीं दे रही, कितनी देर बाद आई है गाड़ी। आशा करता हूँ आपकी सबके लिए मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट कर दें दोस्त, और लाइक सब्सक्राइब करते हैं चैनल को सपोर्ट करें। यहाँ कबाड़ी की दुकान है, एक छिंदे की है और दूसरे इधर अंदर सामने दो कबाड़ी दुकान है। ये सबसे बड़ी कबाड़ी सैले के अंदर यही है छिंदा भाई। ये देखो सब गेट बिकते हैं टोटल, इधर भी गेट बिकते हैं। ये पौते आ गए, ये पत्ती वाला रास्ता चला गया, सैला मंडी भी आने वाली है, गल्ला मंडी बोलते हैं, मटर भी खरीदते हैं। अब ये जो गेट आ रहा है, ये जो ये गाड़ी जा रही है सैला मंडी में जा रही है, इधर के लिए सैला मंडी पड़ती है इधर। अब हम थोड़ा सा थोड़ी दूर रहे हैं पर सैला के अंदर एंट्री करने वाले हैं। आशा करूँगा मैं आपके लिए अच्छा ब्लॉग बनाऊँ मोटरसाइकिल से ही बेहतर। अब ये सैले के अंदर एंट्री होने वाली है, ये पुल आ गया सैले का, सबसे पहला यहीं से शुरुआत होती है भाई। और मैं इधर अब देख ली थी कितना अच्छा लग रहा। ओहो, बड़ी दौर बराबर से कट मार के जा रहे हैं भाई, शहर है, धीरे चलाओ यार। हाँ देखा है ये, आप देखिए यहाँ कपड़े की फरी लगी हुई है। आप देखो कितना भीड़ लगी हुई है, फिर भी यूपी से तो सही है, यूपी में बहुत भीड़ है, इधर पंजाब में इतनी भीड़ नहीं है। बड़े से गड़े बलेरो, थार गाड़ी बहुत दिन भर में बहुत तरी गुजरती है, थार बहुत सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर। अरे बाबा, शहर को ही तेज चलाने वाले हैं। शहर के अंदर देख रहे हैं आप कैसा रहा है, बिल्कुल खाली रोड पड़ा है शहर के अंदर, बिल्कुल क्लीन, कोई टेंशन नहीं, कोई पेंशन नहीं, खाली गाड़ी वाले ज़्यादा दौड़ते हैं इधर। अगर आप कहीं धोरे से हैं, सैला खुर्द के आसपास से हैं, तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल की सपोर्ट करें अपने। पूरे सैले की वीडियो बनाई के डाली हुई है, पूरा सैले की मैंने कहा कवर कर लिया जाए अच्छी करके सैला खुर्द। ये शर्मे आने का ढाबा निकल गया, शर्मे आने का, यह है बाबा उगड़गे की जगह। ये जीप खड़ी है,
तो अभी यहीं थार दिखाएंगे, शायद थार आपके लिए निकल गई, दिखे थार या नहीं। ये आ रही सामने थार गाड़ी है, ये गई ये थार भाई, लग्जरी गाड़ी है सभी की, पंजाब की और सभी भाइयों की। अब हम शहर से बाहर आ चुके हैं, ये पेट्रोल पंप है आगे जो पड़ गया, पेट्रोल पंप है सैला खुर्द का, उधर से भी पहला पेट्रोल पंप पड़ता है और सैला अंदर घुसने से पहले ये पेट्रोल पंप पड़ता है। ये भी इंडियन का है और वो भी इंडियन का ही था। यहाँ CNG पेट्रोल डीजल तीनों मिलता है इधर। ये फैक्ट्री का रास्ता गया, ये फैक्ट्री के लिए अंदर है रास्ता गया इधर के लिए। और इधर भाई ड्राम वगैरह भेजता है, ये पानी भरने के लिए चाहिए तो ले सकता है कोई भी। रोड आपके लिए दिखा दिया, बिल्कुल क्लीन मिलेगा, रोड पे इतना रस नहीं है, आदमी कैसे ही चला सकता है। ये नरयाड़ा के लिए जा रहा है, नरयाड़ा पड़ेगा इससे आगे। को अच्छा लगा तो ब्लॉग में अच्छा करके बताएं, कमेंट करें दोस्त। ये राजधानी एक्सप्रेस जा रही है, इधर हीरो होंडा वालों की एजेंसी है, ये सामने मोटरसाइकिल खड़े हैं नए होगी, ये एजेंसी है हीरो होंडा वालों की। अब मैं गाड़ी की मोटरसाइकिल के लिए अपनी बाइक ले लेता हूँ, बैग ले लेता हूँ, क्योंकि अब बहुत दूर आ चुके हैं। इतना ही बनाना था मेरे को सैले का ब्लॉग, आपको वैसे अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं दोस्त। आपके लिए गुड बाय, आगे लिए थैंक यू। रोक लेते हैं गाड़ी, हम भाई सैड लेके मोड़ेंगे, कैसा लगा या नहीं। थैंक यू ओके बाय।